श्योपुर जिले के किसानों को पिछले वर्ष से सही बिजली नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने एकत्रित होकर बिजली महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और नए फीटर की मांग करते हुए बिजली समस्या से निजात दिलाने को कहा। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला श्योपुर जिले का है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों ने बिजली की समस्या से परेशान होकर विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया है, जहां किसान के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष महावीर सिंह के साथ किसानों ने बिजली कार्यालय पहुंचकर फीटर की मांग करते हुए बिजली समस्या को सही करने की बात कही है। ये सब हमारे जेनी क्षेत्र के किसान है और 10 से 12 गांव उस पूरे क्षेत्र में आते हैं। वहाँ पर जो PTR है, वहाँ 3 PTR है जिसमें से ओवरलोडेड है, और ओवरलोडेड होने के कारण जब धान का सीजन आता है तो धान के सीजन में किसान को लाइट नहीं मिल पाती और इस कारण से उसकी फसल सूखने के कगार पर आती है। लगातार ये मांग लंबे वर्षों से, ये समय से ये कर रहे हैं, 2 साल भर करीब उस को हो गया है, साल भर हो गया। और आज हमने यहाँ विद्युत मंडल को बताया है कि आप इसको, ये जो सीजन आ रहा है, सीजन से पहले आप वहाँ व्यवस्थित ऐसा कर दें, आप अपने मापदंडों में देख लें कि कितने हॉर्स पावर का जो PTR है वो 5000 का हो या 8000 का हो, वो आप जो आपके मापदंड में बैठता है उसको आप वहाँ लगाइए, और जिससे हमारे इन सब किसानों को धान की खेती ये ठीक प्रकार से कर सके। हमने उनको ये भी बताया है कि इसमें आप 10 और 15 दिन का समय लेकर और सख्ती से काम करें। ये ग्राम श्रेणी के लोग पिछले वर्ष से 5 MB का इनका DPR मिस्टेक कर रहा है, उसके कारण से किसान पिछली बार भी परेशान रहे, वो सीजन तो निकल गया, लेकिन अभी ये पिछले माह से लगातार संपर्क में MPB के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वो काम अभी गति नहीं पकड़ पा रहा। आज अभी GM से बात की, GM ने CGM से बात की कि इसे आप समय अवधि में चेंज करें और नवीन 5 MB का या DPR जो ख़राब है या कोई ओवरलोड है, जो भी कारण हो उसे बदले। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज रहा हूँ, किसानों ने चेतावनी दी और हम सब भी उनके साथ हैं, किसानों के साथ, 15 दिन के अंदर अंदर नया 5 MB का जो चेंज होना है वो करेगा विद्युत वितरण कंपनी और इनकी समस्या का समाधान होगा। ऐसी कोई और स्थिति आती है कि 15 दिन की समय अवधि के अंदर ये PTR नहीं बदला जाता, हम सब किसानों के साथ मिलकर यहाँ प्रदर्शन, जो भी एक दबाव का जो कार्य होता है वो सब बनाएंगे। और जिसके बाद अब देखना होगा कि विद्युत विभाग कब तक किसानों के लिए समस्या को दूर करने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, श्योपुर।